नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज पर मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि माफ़ी चाहता हूँ भाई, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। और भाई हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा। उसका कारण दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से अपने इस चैनल पर कोई वीडियो पब्लिश नहीं की। उसका कारण यही था ना दोस्त, कि मेरे पास समय का बहुत अभाव हो गया था। लोकसभा की चुनाव थी और हमने आदरणीय ढुलू चाचा जी के साथ लोकसभा का कैंपेनिंग किया, उनके बेटे के साथ और पूरा लोकसभा चुनाव का कैंपेनिंग किया। इस वजह से भाई मेरे को समय जो ना नहीं मिल पाई। चुनाव खत्म होने के बाद लोगों की काफ़ी समस्याएँ थी, लोगों के साथ अनशन में बैठे और बहुत सारे कर्मकांड हुए, जिसके वजह से मैं भाई वीडियो एकदम नहीं बना पाया। लेकिन मैं भाई आप लोगों से सच में बता रहा हूँ, आप लोगों से एक वादा कर रहा हूँ कि अभी इस चैनल पर कम से कम सप्ताह में दो वीडियो तो ज़रूर छोड़ूंगा। दो वीडियो भी मुश्किल होगी, लेकिन मैं हाँ कंटिन्यूअस अपने चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा, मेरा चैनल जिससे रिगार्डिंग था। लेकिन भाई ये वीडियो आप लोगों को ये है कि हमने गत कुछ दिनों में बहुत सारी मेरे साथ समस्याएँ हुई, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो भी भाई हमारे चैनल से, क्योंकि मुद्दा हुआ था, आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच करिएगा, हम वीडियो क्लिप को जोड़ेंगे। हमने बहुत सारी परिश्रम की और अपने स्तर से लोगों का समस्याओं को लोगों के समस्याओं में साथ खड़े रहने का प्रयास किया और लोगों के साथ खड़े रहे, लोगों का मदद किए और जहाँ तक हो सका मेरे से हमने उनका समाधान करने का प्रयास किया। इसी वजह से मैं लगातार वीडियो कंटेंट नहीं दे पा रहा था, इसलिए भाई मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। दोबारा मैं अपने चैनल पर लगातार पिछले गत जैसे मैंने चैनल को चलाया है उस तरह से कंटिन्यूस लगातार अपने चैनल के साथ बना रहूँगा। धन्यवाद भाइयों, तब तक इस वीडियो को देखें हमने, और इस वीडियो में हमें कॉपरेट भी करें, यह सब वीडियो देखना भी ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से मीडिया कवरेज मिलना था उस तरह मिला नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला था। हालांकि आप लोग कॉपरेट रहेगा तो ये बातें काफ़ी दूर तक जाएंगी, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि जिस तरह के सब्सक्राइबर है, जिस तरह से मेरे को रीच मिलती थी, वो यदि हमारे इस चैनल पर फिर से आए, तो ऑब्वियसली ऐसी बात होगी कि हमारे बातों को, हमने जिस प्रयास से लोगों तक बात पहुंचाने का फरियाद किया, वो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, अपने विचार देंगे, या कुछ गलत लगेगा तो ओपिनियन भी बताइएगा। धन्यवाद भाइयों, हम अब अपने चैनल पे जो हमारा रेगुलर कंटेंट रहेगा वो सब भी डालने का प्रयास करेंगे, और हो सके कि एक सप्ताह में, इस सप्ताह में हमारे जो इस बार मोदी कैबिनेट में हमारे कुर्मी कम्युनिटी के जितने भी मंत्री बने हैं, इस सप्ताह में एक वीडियो डालेंगे। तो भाइयों, हमारे इस चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल से आप लोगों को किस किस चीज़ों की, किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद भाइयों, फिलहाल हमारे इस वीडियो क्लिप लोगों को देखें, अच्छा लगेगा तो हमें सजेस्ट करिएगा, बुरा लगेगा तो फिर भी बताइएगा कि इन विचारधाराओं के साथ हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन भाई सच्चाई यही है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू विचारधारा के साथ जरूर रहेंगे। धन्यवाद भाइयों, हालांकि आप लोगों का ओपिनियन सर आँखों पर रहेगी, आप लोग हमें ओपिनियन दीजिए, धन्यवाद रहेगा आप लोगों का। देखे कि कोई इंटेंशन लेके आए कि केवल मार लाठी चारना है, यदि हमारा सांसद महोदय जी कॉपरेट नहीं करते, हमारे स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी जी कॉपरेट नहीं करते, तो शायद हमें नहीं लगता कि शायद हमारा हड्डी भी सुरक्षित रहता, इतना मार होता। तो जोहार, नमस्कार, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदाहा पंचायत में, चंदाहा गांव में, जो कि आप लोगों को पता होगा, जो कि यहाँ पे एक ज़मीनी विवाद हुआ है, जो कि एक हिंदू समाज और कुछ अन्य समुदाय के लोग, जो कि मुस्लिम समाज के लोग, जो कि यहाँ पे चंदाहा पंचायत में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे हिंदू समाज का एक छोटा सा जगह है, 21 डिसमिल का एक जगह है वहाँ पे कुछ कारणवश, जो कि ग्रामीण के लोग जो कुछ मुद्दा लेके संसद के पास जाते हैं, ढोलू जी के पास जाते हैं, और उसी दिन
एक ऐसा घटना हो जाता है जो कि हिंदू समाज के थोड़ा सा ज़मीन वहाँ पे है, उस ज़मीन पे जो मुस्लिम समाज के जो एक व्यक्ति हैं, जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को वहाँ पे दफनाया जाता है और उस पर बहुत ही एक बड़ा मुद्दा सामने आता है। और कल लगभग डीसी छोड़ के जितने भी अधिकारी हैं, बोकारो के जितने भी अधिकारी हैं, सब अधिकारी आए थे और वार्ता भी हुए, क्या कुछ नहीं, हर कुछ अभी जानकारी लेते हैं। अभी माहौल यहाँ पे क्या कुछ है, गंभीरता से अभी बात करते हैं। चलिए दादा, सबसे पहले तो दादा जोहार। दादा जोहार भाई, और आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि कोई भी राजकीय चैनल या हमारी स्थानीय चैनल इस मुद्दा को दिखाना नहीं चाह रही है। तो चलिए, आप में थोड़ी सी हिम्मत थी जो हमें आप इस वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज़ को रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक चैनल है जो वन साइडेड विचारधारा लेके हमें या हमारे लोगों को दोषी ठहराने का जितना हद तक हो सकता था प्रयास किया है। फिलहाल मेरे को तो यही लगता है कि अभी तक जितने भी हमने बहुत सारे मीडिया संस्थानों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उचित जो उनका कदम था हमारे प्रति आने का प्रयास भी नहीं रहा। और पता नहीं उनका क्या प्रेशर है, उस विषय पे मैं नहीं बोलूँगा, अभी तक कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बातों को रखेंगे। अच्छा दादा, ये जो मैटर है, ये मैटर क्या है, थोड़ा बताइए दादा, पब्लिक को थोड़ा बताइए, ये मैटर क्या है, किस तरह से ये घटना हुआ और किस तरह से इतना हंगामा। ये मैटर मंदिर प्रांगण से लेकर अभी शव दफन तक का है। मंदिर प्रांगण का मामला को डाइवर्ट करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों की बात करें हम, या किनकी मानसिकता, अजीब विचित्र मानसिकता के लोगों की, वे लोग जबरदस्ती जबरन एक हमारे दलित, जिस शब्द को हम लेने से भी डरते हैं, हरिजन, उस भाई के ज़मीन पर जबरन एक शव को दफना दिया गया है। और उसके बाद उन्हें स्टे ऑर्डर चाहिए, लगातार कोर्ट कचहरी के कागजी प्रक्रिया में वो उन्हें दौड़ाते रहे, जैसे आज पूरे चंदाहा गांव के लोग मंदिर प्रांगण में लगभग तीन साल से अप्रोक्स समय हो चुका है उस स्टे ऑर्डर में दौड़ रहे हैं। उसी प्रकार ये गरीब आदमी, आप उनको कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, ये गरीब आदमी कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाते रहे, उनके जेब में पैसा है या नहीं है, ये अपना ज़मीन बेच के उस ज़मीन को फिर ले, यही स्थिति है। तो क्या दादा, ये जो ज़मीन, दादा का जो ज़मीन है, क्या इनके पास पेपर वगैरह है? सफिशियंट पेपर है, जितनी पेपर होनी चाहिए सफिशियंट इनके पास जो है वो ये अपने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और जहाँ तक सीओ हो, जहाँ तक इनके पास बात हुआ, वार्ता हुआ, ये सारी अपनी बातों को रखे हैं। और इन सभी बीचों के वार्तों के बीच हम सभी मौजूद थे, सभी भाई मौजूद थे, और निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। तो क्या वार्ता में किनके पक्ष में निकला है दादा? देखिए, अभी फ़िलहाल हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम भी कर रही है, हो सके उन पर क्या दबाव है नहीं है, लेकिन हमारे प्रति तो उन पर कोई संवेदनशीलता नहीं लग रही है, ना कोई सहानुभूति लग रही है। हमारे विपक्ष में ही, आज यदि हमारे पक्ष में फैसला होता तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, धरना प्रदर्शन पर बैठे नहीं रहते। हमारा सीधा सा बात है, जब तक वो बॉडी ना उठे तब तक हम लोग इस धरना पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ यदि उचित हम वही बोल रहे हैं, उचित कार्रवाई होती हमारे यहाँ के ग्रामीणों के साथ, तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते। भूखे प्यासे हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, आप देखे ही है कल का भी मामला कैसा था, कितना हॉट मामला था, कितना गर्म मामला था। इतिहास हम वीडियो चलाए थे, वो इतिहास में हम पहली बार देखे, इतिहास में बोले या हम अपने पहली बार देखे कि कोई इंटेंशन लेके आए कि केवल मारना है, लाठी चार्ज करना है। यदि हमारा सांसद महोदय जी कॉपरेट नहीं करते, हमारे स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी जी कॉपरेट नहीं करते, तो शायद हमें नहीं लगता कि शायद हमारा हड्डी भी सुरक्षित रहता, इतना मार होता। तो आज तक नहीं देखे, बहुत सारे धारणाओं में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे बैठकों में हम लोग बैठे, बहुत सारे आंदोलनों में बैठे हैं, हम लोग भले पीछे हुए करते थे, लेकिन ऐसा इंटेंशन लेके कोई भी प्रशासन डायरेक्टली एक्शन पे नहीं आया था। हम वहाँ ना गायता फावड़ा लेके गए थे, हमारे पास एक ये अस्त्र को यदि कोई बोल सकता है तो ये अस्त्र है, ये हिंदू धर्म का हमारा कलावा है, ये सब हमारा पहचान है, यही सब था। और उसके बावजूद भी हम लोग को अपराधी की तरह ट्रीट किया गया, बोला गया कि 44 धारा लगी हुई है, लेकिन मेरे को तो नहीं पता। क्या नोटिस आप लोगों को दिया गया था? पता नहीं, इस विषय पे हम नहीं बोल सकते हैं कि नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, नोटिस हमारे पास नहीं है।
और यदि इनके संज्ञान में होगा तो इस विषय पे हम नहीं बोल सकते हैं, यदि इनका सिग्नेचर होगा तो हमें कोई बता सकता है कि नोटिस 44 का इन्हें मौजूद है, हम लोग के पास उपस्थित रहता तो शायद हम लोग ये कदम नहीं उठाते। और हमारा सीधा सा कदम था, हम वहाँ कोई एग्रेशन दिखाने नहीं गए थे, हम वहाँ केवल बैठकी करने गए थे। तो 44 धारा लगी है, ठीक है, हम वहाँ से हट के अभी अपने मंदिर प्रांगण में है, मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ तो 44 धारा नहीं है। जो भी कागजी प्रक्रिया है करे, हमारा बस एक ही डिमांड है कि वो जो लास्ट सौ गड़ी है उसको पहले उठाया जाए। पूरी 4 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, पूरा खाली जमीन पड़ी हुई है, उधर बहुत लंबा जमीन है, कहीं भी दफना दे। हमारे भाई हैं, हमें भाई बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते हैं, तो भाई का थोड़ा सा बड़े भाई हम लोग मानते हैं, बड़े भाई थोड़ा सा दिल को बड़ा करे और ये गरीब जो है, दलित जो है, शोषित जो है, उनको जो कल का ही उनका हम स्टेटमेंट कुछ सुने थे। अच्छा अच्छा, एक दादा, एक जो पंचायत समिति है जो चंदहा पंचायत के हैं, उनका ये एक स्टेटमेंट आता है, एक ग्रामीण टीवी करके हैं, उसमें स्टेटमेंट आता है कि अगर इस तरह से चंदहा पंचायत में, अगर चंदहा गांव में इस तरह से अगर माहौल रहा तो हम लोग रिश्ता चेंज कर लेंगे। किस तरह से, क्या रिश्ता चेंज करने का बात कर रहे हैं दादा वीडियो के माध्यम से? अब ये तो विषय आप उनसे ही बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से वो रिश्ता को चेंज करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं न्यायिक मामला का। हम लोग प्रशासन जो हमें आश्वासन दिए हुए हैं कि 9 तारीख तक आप रुकिए, हमारा बस वही था कि 9 तारीख तक हम बैठे हैं, जो न्याय प्रक्रिया आएगी हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम लोग तो बहुत बार दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हर जगह गए हुए हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जो हम लोग लिखित रूप से या सक्षम रूप से नहीं गए होंगे। तो हमारा तरफ से स्टैंड क्लियर है, ना हम लोग विवाद चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं। बाकी जो सांप्रदायिक रंग देना चाहता है, जो मैनिपुलेट करना चाह रहा है वो करे, उस विषय पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारी सीधी बात है, ना हम किसी से लड़ना चाहते हैं और ना लड़ेंगे, और हिंदू कम कभी किसी से लड़ा नहीं है, बेवजह किसी से नहीं लड़ा है। अब जब तक उसको नहीं छेड़िएगा तब तक वो शांत घर में बैठा हुआ है। हिंदू कम किसी से नहीं लड़ता है, और हम आपको आश्वासन दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग किसी से लड़ने नहीं बैठे हैं। शिवाजी राजे का, भागने का।